was everywhere. He's done so much work, and we are excited that he's a part of this project. And Rahul Dev Saab hai is film. मतलब पूरे शो में हमारे साथ, सो ही इज़ द एंटैगनिस्ट. बट आई थिंक नाउ डेज द एंटैगनिस्ट ऑल्सो इज सच अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर, सच अ प्रोमिनेंट रोल, इट रियली डज नॉट मैटर. देखिए मैं ये मेरी पहली वेब सीरीज़ नहीं है. मैंने इस साल ऑलरेडी दो वेब सीरीज़ की शूट कर ली है, एंड एक एमएक्स प्लेयर के लिए है और एक जो है उल्लू और एमएक्स प्लेयर साथ में बना रहे हैं उसके लिए है. बट बिसाइड्स दैट, this web series is the one that I am very excited about. उसके कारण दो तीन हैं. सबसे पहले तो ये कि ये जुनूनी टीम है, एक नई टीम है, एक नया स्टार्टअप है. और जब मुझे हमेशा लगता है जब एक नया स्टार्टअप होता है ना, आपका विजन क्लियर होना चाहिए. और इस टीम का विजन क्लियर है. योर विजन इज क्लियर, यू नो यू आर गोइंग टू डू समथिंग, योर गोल्स आर सेट, टारगेट पॉइंट्स सेट हैं, शोज इनके बड़े इंटरेस्टिंग है, इनकी लॉन्चिंग डेट्स वगैरह सेट हैं, जो ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता हूँ, वो लोग ही बताएं तो बेहतर. एंड ये जो पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट है और शो है वो बहुत इंटरेस्टिंग, और मेरा कैरेक्टर एज सच मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं एग्जैक्टली वो निभा रहा हूँ जो मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ. मैं इतना ज़्यादा कैरेक्टर में बैठ गया हूँ अभी कि मैं उसी तरीके से बात करना शुरू कर चुका हूँ. मैडम मैं कर्ट हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे मालूम है मेरे को क्या बोलने का है, मेरा दिमाग सेट है, और मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ. मैं आऊँगा और मैं क्राइम सॉल्व करूँगा. और एक और चीज़, दुनिया भर बाढ़ में हाँ आप फिक्र मत करिए, उसको मैंने ज़्यादा मारा था. इंडिकेट कर रही है मैंने सच में मार खाई है कि नहीं. हाँ मैं बहुत ज़्यादा कैरेक्टर में जाने की कोशिश करता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं अपने डायरेक्टर के साथ और स्क्रिप्ट के साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ. देखिए आधे से ज़्यादा कैरेक्टर जो होता है वो स्क्रिप्ट में होता है, और सिर्फ डायलॉग्स में नहीं होता है, वो दूसरों के सीन्स में होता है. वो राइटर ने जो डायलॉग के बीच में जो नरेशन नरेटिव पार्ट लिखा होता है उसमें होता है. उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है फॉर एनी एक्टर, फॉर एनी डायरेक्टर. मेरा किरदार का नाम तो है पठान, और ये प्रोजेक्ट है बेसिकली एक थ्रिलर. एक नार्को चीफ प्ले कर रहा हूँ, तो बस उससे ज़्यादा भी, क्योंकि एक थ्रिलर है ना, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक इट विल बी राइट ऑन माय पार्ट टू सेम हो. और जहाँ तक कि ओटीटी का सवाल है, डेफिनेटली एक न्यू अपॉर्चुनिटी. अभी इनफैक्ट इस साल में एक अजीब सा साल रहा है सबके लिए, ख़राब सा. बट पर्सनली वर्क फ्रंट पे मेरे लिए थोड़ा अच्छा ही रहा है, यू नो, अजीब ही ढंग से. मतलब द ईयर स्टार्टेड विद द फिल्म विद ऑपरेशन परिंदे विद संजय गढ़वी, एंड इट वाज रिलीज्ड ऑन Z5 प्रीमियम. उसके बाद आई थी हमारी हुज़ योर डैडी ऑल्ट, और इसके ऊपर Z5 पे थी, वो भी कॉमेडी करने को मिल गई मुझे, यू नो, करना चाहता था, वो मिल गया करने को. सीरीज थी उसके बाद, फिर अभी हाल ही में वो पॉइजन 2 रिलीज़ हुआ, वो एक थ्रिलर है, वो भी एक सीरीज है. अभी 11 दिसंबर को तोरबाज आ रही है नेटफ्लिक्स पे. तो यू नो काफ़ी कुछ मतलब करने को मिला, और ऑल अक्रॉस, यू नो, ऑल अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, बीट नेटफ्लिक्स, बीट Z5, बीट से ऑल्ट, एंड दिस इज़ नाउ अ न्यू प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर. तो अच्छा है. टाइम में फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना पहला शो किया था ना, उसका नाम था द टेस्ट केस. तो टेस्ट केस उस वक्त ओल्ड बालाजी पर था, और क्योंकि मैं सिनेमा से हूँ तो उस वक्त पता नहीं था कि नेटफ्लिक्स मतलब ये जो है सीरीज क्या होता क्या है. तो नागेश कुकनूर थे डायरेक्टर, और एक्चुअली एकता मैम वॉज अ बिग पार्ट इन इट, क्योंकि ऑल्ट, और प्रोड्यूसर मेरे थे एंडमोल. तो बहुत नया लगा था मुझे वो एक्सपीरियंस 2017-18 में ना, कभी ऐसा एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल ब्रांड न्यू था. और इतना तब आया नहीं था इधर इतना अवेयरनेस नहीं था, ये नहीं था कि मतलब रोज़ एक आध कुछ हो रहा है. तो मुझे लगा कि करते हैं, वो नरेशन बहुत अच्छा था उनका, और दूसरा ये था कि आर्मी के ऊपर था, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर था, इंडियाज़ फर्स्ट पैरामिलिट्री कमांडो, यू नो, एज अ वूमन.
अभी इनफैक्ट सीजन टू करने वाले हैं हम फेब में उसका। तो ये आपके सवाल से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि वो भी एक शुरुआती लग रही थी, अभी वो ओल्ड और आज ओल्ड कहाँ पहुँच गया। तो ऐसे ही शुरुआत कहीं ना कहीं तो करनी पड़ती है इंसान को, और फिर उस शुरुआत से धीरे 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 बूंदें बढ़ती रहती हैं, ग्लास बढ़ जाता है, कई बार नहीं भर पाता है। बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच सिंसेरिटी एंड द एफर्ट द प्लेटफॉर्म पुट्स इन इटसेल्फ। सर, नॉट ओनली वेब सीरीज, मतलब बॉलीवुड के अलावा साउथ फिल्मों में बहुत काम किया आपने और बहुत अच्छे रोल्स किए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि साउथ फिल्मों का रीमेक बॉलीवुड में काफ़ी बन रहा है, कुछ सक्सेसफुल हो गए हैं कुछ नहीं है। रीमेक जो कल्चर है, खासकर अगर देखा जाए तो यहाँ भी काफ़ी सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, वो जो रीमेक कल्चर आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं? आई कॉन्ट सी, उसमें आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कॉमेंट बिकॉज मैं तो एक्टर हूँ और एक कलाकार होते हुए मेरा तो काम यही है कि वो डायरेक्टर मुझे जो कहेगा वो मुझे करके डिलीवर करना है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में हो। तो जहाँ तक कि यहाँ का सवाल है तो ये हो जाता है कि पीपल डोंट वॉन्ट टू टेक दैट मेनी रिस्क। एक स्टोरी है, टेस्टेड ट्राइड स्टोरी है, वो डायरेक्टर अभी नहीं रहे, अजय साहब के साथ, तब्बू जी के साथ वो फिल्म बनाई थी, वो थ्रिलर फिल्म थी ना, क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ब्यूटीफुल फिल्म यार, निशिकांत कामत फिल्म जो मराठी में पहले, यू नो, निशिकांत कामत ने डायरेक्ट करी थी, मलयालम उसकी ओरिजिनल फिल्म है दृश्यम, तो अच्छी लगी थी। ओरिजिनल कहते हैं और बेटर थी या कम थी या जो भी है, सो कंपैरेटिव्स विल ऑलवेज बी देयर। देन कबीर सिंह, यू नो, ओरिजिनल वन वाज मेड इन तेलुगु, सो सक्सेसफुल। एंड सम पीपल समटाइम्स यू आर नॉट सक्सेसफुल। सो वैसा ही है कि कोई इसलिए तो बनाता नहीं है प्रोजेक्ट की यार चलो एक ख़राब प्रोजेक्ट बनाते हैं, बनाता तो इसी इच्छा से है कि चलो अच्छा कुछ करते हैं। इनफैक्ट लॉरेंस साहब जिन्होंने अभी लक्ष्मी बॉम्ब बनाई, इन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी हिट दी थी तेलुगु में, उसका नाम था मास, जो कि मेरी वन ऑफ द बेटर बिगर हिट्स हैं तेलुगु में। फिर प्रभु देवा जी जो इधर अभी काफ़ी काम करते हैं, उनके साथ मैंने फिल्म करी थी पौर्णमी तेलुगु में। अभी कह रहे हैं त्रिविक्रम श्रीनिवास जी यहाँ पे आ रहे हैं, उनके साथ मैंने करी थी अत्तू। राजमौली साहब जिन्होंने कि एशिया की सबसे बड़ी हिट थी है वो पार्ट वन पार्ट टू बाहुबली, उन्होंने मुझे स्टेट अवार्ड दिलाया था तेलुगु में सिमाद्री के लिए। तो अच्छा ये लग रहा है कि यार इन डायरेक्टर्स के साथ कहीं ना कहीं रस्ते और कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं और अभी वो हिंदी में आ रहे हैं। सी, आई टेल यू व्हाट, माय फादर वाज अ वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर इन रियल लाइफ। कैन आई प्लीज जंप इन जस्ट आई जस्ट योर। सो इसमें यही है कि जहाँ तक इसका सवाल है इस रोल का, क्योंकि मेरे ना डैड रियल लाइफ में एक डेकोरेटेड कॉप थे। इनफैक्ट एक 1971 का एक नागरवाला केस है जो अभी भी गूगल पे आप खोलोगे नागरवाला, इफ यू टाइप आउट विल गेट अ नेम देयर, मिस्टर हरिदेव ने, दैट वाज माय फादर, लास्ट डे ही पास्ड अवे। सो ही क्रैक्ड द केस एंड दो गैलेंट्री अवार्ड्स लिए उन्होंने, दो डिफरेंट प्रेजिडेंट्स से ऑन 26 जनवरी। सो एक ऑफिसर को घर से रोज़ जाते हुए पूरी लाइफ निकल गई देखते हुए, यू नो, हम कोलंबस में होते थे, एक मेरे स्कूल का मुझे याद है एक बच्चा भी किडनैप हुआ था, इनफैक्ट शाहरुख साहब वाज नाइस एनफ टू ट्वीट अबाउट इट ऑन हिज व्हेन ही पास्ड अवे, के वी ऑल यूज्ड टू बी इंस्पायर्ड हियरिंग स्टोरीज इन स्कूल। तो ही वाज दैट लाइक रियली लेजेंडरी माय डैड ना इन टर्म्स ऑफ द पुलिस फोर्सेज। तो अभी इसमें मैं क्या समझाऊँ, वो कोतवाली के ऊपर रहा हूँ मैं एक होस्टिंग में उनकी, मेरे का 6 साल रहे हैं हम स्टेशन में, जहाँ मेरी पैदाइश हुई थी प्रेसिडेंट स्टेट के पीछे था, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्लोजेस्ट सिक्योरिटी में थे और मेरी पैदाइश उस वक्त प्रेसिडेंट स्टेट पे ही हुई थी। तो मेरे ख्याल 4.5 साल वहाँ रहे थे डैड के साथ। फिर चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन, जो कि एक चाणक्यपुरी वन ऑफ द बेटर मतलब डिप्लोमेटिक एरिया माना जाता है दिल्ली में, वहाँ रहे थे डैड, वहाँ के हेड रहे थे 7-8 साल। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जो कि जहाँ बोट क्लब जहाँ आप देखते हैं रैलीज वैलीज हो रही हैं, वहाँ आई थिंक डैड वॉज असिस्टेंट कमिश्नर फॉर ऑलमोस्ट 11 ईयर्स। तो यू नो एक मतलब घर में माहौल ही एक मतलब समझ लीजिए कि 58 तक की रिटायरमेंट तक का सुबह से रोज़ जाना आना जाना आना। मुझे याद है इनफैक्ट जो दंगे हुए थे जिसमें 84 के सिख राइट्स हुए थे, जो
उसमें फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने फादर को 17 दिन में अभी भी याद है घर पे देखा नहीं था। वो ज़माना था कर कर वाले फ़ोन्स का, मैं तो अभी स्कूल में ही था, छोटा था, स्कूल में एहसास भी नहीं होता था कि हुआ क्या एक्चुअली। उसमें हम लोगों को लगता था छुट्टी है, इतना था नहीं, इतने सारे चैनल्स नहीं होते थे, गूगल नहीं था, वो सब था नहीं, तो अवेयरनेस वॉज लेसर इन दोज डेज। तो यू नो सो इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन आई थिंक इट आंसर्स एवरीथिंग दैट यू यू नो लाइक इट्स जस्ट यू वॉचिंग एवरी डे समबडी यू नो लाइक इमीडिएटली नाउ इज 11th ऑफ डिसम्बर इज तोरबाज, इट्स अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल विद संजू बाबा एंड माई डायरेक्टर इज गिरीश मलिक, सो इज अ टेरिफिक डायरेक्टर। उन्होंने लास्ट फिल्म उनकी थी जल को अवार्ड्स मिले थे, जल हिंदुस्तान से ऑस्कर्स भी गई थी, तो उस किस्म के डायरेक्टर हैं, तो जाहिर है वो फिल्म अच्छी ही बनी है। देन उसके अलावा एक शो मैं कर रहा हूँ ऑल्ट पे, डॉक्टर्स का एक फर्स्ट शो है, आई कैन ब्रेक इट आउट नाउ बिकॉज दे हैव ऑलरेडी ब्रोकन द न्यूज़ आउट, LSD इट्स कॉल्ड, सो इट्स लव स्कैंडल एंड डॉक्टर्स, सो इट्स अनदर पर्सपेक्टिव टू हाउ जो डॉक्टर्स को हम जानते हैं, एक और डॉक्टर्स का एक और साइड क्या होता है। देन वो आएगा नेक्स्ट ईयर, मुगल्स पे काम कर रहा हूँ निखिल अडवाणी जी के लिए, विच विल ऑल्सो भी नेक्स्ट ईयर, दैट्स ऑन अनदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, दैट्स ऑन हॉटस्टार डिज्नी। तो ऑल अक्रॉस अभी मतलब बताया ना, नेटफ्लिक्स हो गया, ऑल्ट हो गया, जी के तो अभी ये रात बाकी है, ऑन फिफ्थ विल कम। इनफैक्ट वो डायरेक्टर इधर ही रहते हैं मड में, उनका नाम है अविनाश दास, 2-3 डेज वर्क लेफ्ट, बहुत अच्छी फिल्म है, बालीगंज एक प्ले था 1981 का शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डेट, तो उसके राइट्स लिए थे वो प्ले राइट से, और NSD में वो कराया जाता था, और उस प्ले में कड़ी जोड़ के, उसी कहानी में एक कड़ी जोड़ के उनने ही जोड़ी है प्ले राइट ने, तो फिल्म का नाम है रात बाकी है, नेक्स्ट ईयर आ जाएगी 5 फेब को, फर्स्ट प्रोमो ऑलरेडी आउट हो चुका है, और वो Z5 पे आएगा। अविनाश दास अगर आप नहीं जानते हैं तो इन्होंने एक नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल बनाया था शी के राइटर थे द लेजेंडरी अपना इम्तियाज़ अली, जिन्होंने हमें रॉकस्टार जैसी फिल्में दी हैं, तो उन्होंने लिखा था, इन्होंने डायरेक्ट किया था, तो बहुत अच्छी मतलब एक वन नाइट का